गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आवाज आती है आपको? गुड यस मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैशन डिजाइन के कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग की थी फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की। ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे पहले हमने, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे इसमें। सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिजाइन, ठीक है? फैशन डिजाइनिंग का जो सिग्निफिकेंस होता है वो देखने हमने इसमें। सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल्स ऑफ फैशन, देखने हैं कौन कौन से फंडामेंटल्स हो सकते हैं। उसके बाद इसके लिए हमें फैशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए इसमें, फैशन को लेके क्या नॉलेज होनी चाहिए। एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू बी इन फैशन बिजनेस। हमें जो फैशन है उसकी नॉलेज एंड स्किल्स का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स अप्लाई हो सकती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फैशन डिजाइनिंग का क्या बेनिफिट है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है, स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के जो टास्क हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मीनिंग ऑफ जो पीपल्स हैं उनका लाइवलीहुड उनको मिल सकता है, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल है अच्छा हो सकता है, ठीक? क्या क्या टास्क होते हैं इसके लिए, डिजाइनिंग होगी, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग का पता ही है, कोई भी फैशन बिजनेस चलाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब कोई भी न्यू काम किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एड्स निकाली जाती है, जिसकी वजह से एक बिजनेस आगे बढ़ सकता है अच्छे टाइप से, ठीक है? तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए स्किल्स होनी चाहिए अपने पास, अच्छे वे से हम सोच पाए, ठीक है? नॉलेज होनी चाहिए हमें, ठीक है, कि फैशन की नॉलेज होगी। या इसके अलावा एड को एक अच्छी एड बना सके हम, जिसकी वजह से इफेक्टिव बनाएंगे तभी बिजनेस को आगे चला पाएंगे, ठीक है? बेनिफिट हो सकता है। कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेशन है एक टास्क, ठीक है? कम्युनिकेशन का बताना चाहिए। अब कोई आपके पास सामान लेने आए तो आपकी कम्युनिकेशन भी तो चेक की जा सकती है कि कैसे डील किया आपने उस इंसान को। उसके बाद पब्लिशिंग, कंसल्टिंग, ये सब कुछ पता होना चाहिए बेटा हमें, ठीक है? ये सब कुछ जो टास्क है इसमें इन्वॉल्व होते हैं फैशन के बिजनेस को आगे चलाने के लिए। नेक्स्ट है, तो देखो हमने पढ़ लिया था फैशन अलग अलग टाइप से। बेटा फैशन पहले के टाइम पे लग था, ठीक है? 1920s के टाइम लग था, उसके बाद चेंज होता गया फैशन, ठीक है? अलग अलग टाइप से फैशन के मीनिंग्स देखेंगे हम आगे। उसके बाद नेक्स्ट है फैशन मर्चेंडाइजिंग, इसका क्या मतलब होता है, स्किलफुल वे से एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, ठीक है? यूजफुल इफेक्टिव डिस्प्ले कैसे किया जा सकता है उसको, ठीक है? इसके अलावा कैसे मैनेज किया जाता है उसको, सही टाइम पे सही टाइप से या सही जगह पे कैसे सेल किया जाता है। अब देखो पहले क्या किया जाता है, पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग की जाती है कि कैसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए। अब प्लान तो बना लिया, प्लान को सही वे से इम्प्लीमेंट किया जाता है बाद में। कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है वो, जब आप स्टेप बाय स्टेप उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है? तो उसके लिए उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि सही टाइम पे सही जगह पे कैसे उस जो गुड्स आपने बनाए हैं, ठीक है, या किसी भी इंसान ने बनाई है उसके जो गुड्स है उनको कैसे बेचा जा सकता है, कैसे सेल किया जा सकता है, उससे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद ये इतना होने के बाद उससे जो गुड्स है, जब आपने कोई बिजनेस चलाना है स्किलफुल वे से उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, ठीक है? उसके बाद एक इफेक्टिव वे से उसको डिस्प्ले किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, ठीक है? आपने सपोज कोई क्लोथ बेचना है तो उसको आप अच्छे वे से पैकिंग पैकिंग के साथ देते हो किसी इंसान को, तो उसका दाम अच्छा लिया जा सकता है बेटा, ठीक है? तो ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हो आप, ठीक है? तो उसको अच्छे वे से डिस्प्ले किया होना चाहिए, ठीक है? या
आप देखते हो कहीं पे भी जाते हो, डमीज लगे होते हैं उस पे, वो कपड़ा जो है वो क्लोथ है, टेक्सटाइल है, वो उसको पहनाए जाते हैं कपड़े, ठीक है, ताकि एक अच्छे वे से उसको डिस्प्ले किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, पहले पार्टी सिस्टम। इसमें क्या था, पहले के सिस्टम में क्या होता था, बहुत पहले तब क्या होता था, तब मनी नहीं होती थी, तो कैसे किया जाता था, कैसे गुड्स जो लिए जाते थे, सपोज आपके पास कुछ सामान है, ठीक है, या किसी जिसे आपने सामान लेना है, उसके पास कुछ, दो इंसान है, ठीक है, दोनों के पास कुछ ना कुछ गुड्स है, ठीक है, तो आपस में बदल के, ठीक है, ऐसे एक्सचेंज किया जाता था सामान। पहले के टाइम पे मनी नहीं होती थी, तो ऐसे अपनी नीड्स को फुलफिल किया जाता था। उसके बाद थोड़ी सी चेंज आई, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आने की वजह से क्या हो गया, व्हाट वाज अवेलेबल वाज सेलेबल, ये मीनिंग हो गया इसका। मतलब क्या है कि जो आपके पास अवेलेबल है वो सेल किया जाने लगा, ठीक है, उसके अलावा उसके बदले में क्या मिलता था, मनी। मनी में क्या थे, सिक्के कॉइन्स चलते थे पहले, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस आने लगी। तब भी क्या था, ये इतना ज्यादा जो सिस्टम था बिजनेस का वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आने लगी, कॉम्प्लिकेटेड पहले इतना नहीं था, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस थी कहाँ पे आने लगी, जब बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लगा, ठीक है, कैसे एक्सपेंड होने लगा, उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद चीजों के जो दाम है वो निश्चित किए गए, ठीक है, कीमत निश्चित की गई, जिसकी वजह से आज देखो आप, ठीक है, मनी के अलावा कोई चीज हम ले ही नहीं सकते, पैसे के बिना कुछ भी ले सकते, ठीक है, तो पैसे ना हो जेब में तो कोई इंसान खड़ा भी नहीं होने देता अपनी शॉप पे, है ना, तो यही कुछ चलता है। तो बहुत ज्यादा अब देखो, किसी के लिए जिसके पास पैसा होगा वो इंसान तो ले लेगा, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो नहीं ले पाएगा, अफोर्ड ही नहीं हो पाएगा, अफोर्डेबल सबके लिए थोड़ी अफोर्डेबल है ये, ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। इसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम है, बिजनेस है, वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना था, ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस आते थे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ना है, जब हम सिग्निफिकेंस की बात आती है तो फैशन डिजाइनिंग को लेके क्या सिग्निफिकेंस है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फैशन बिजनेस। हम सबसे पहले तो हमें फैशन बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, फैशन में अब देखो कि कैसे, इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे ना, कुछ पॉइंट्स, क्या आपको नॉलेज एंड स्किल पता होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, स्किल्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्किल्स से आगे आप फैशन को, फैशन अपने बिजनेस को फैशन के बढ़ा सकते हो, ठीक है, स्किलफुल एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कंसल्टिंग, ठीक है, या पब्लिशिंग, ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, डिस्प्ले अच्छा किया जाना चाहिए उस क्लोथ्स को, ये सब कुछ वहाँ होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है वहाँ पे, इसके अलावा जो गुड्स आपने बेचने हैं, जिसकी आप सेलिंग पे ध्यान देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी क्वालिटीज भी तो देखनी पड़ेगी, आपके पास जो सामान है क्या वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, उससे अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है या नहीं, अच्छे से बेनिफिट हो सकता है या नहीं। इसके अलावा हमें प्लानिंग क्या देखना पड़ेगा, इनकम पासिव, प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, प्लानिंग की जाती है सबसे पहले एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसके बाद बाइंग पे ध्यान दिया जाता है, कुछ गुड्स दिए जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, एंड सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, इन सब चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए एक अच्छे फैशन को चलाने के लिए, बस ये इसमें सिग्निफिकेंस में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, इसमें टू टाइप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्पेसिफिकली कौन से आते हैं फैशन, एक तो दो टाइप के होते हैं स्पेक्ट्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हम इसमें, दो इंसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट वन इज फैशन टर्मिनोलॉजी एंड सेकंड वन इज फैशन डेवलपमेंट। अब देखो जो फैशन के टर्म्स है इसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें,
कॉमन सी टर्म्स है बेटा, कौन कौन सी कॉमन टर्म्स इन्वॉल्व होती है? फैशन, स्टाइल, फैट्स और शॉर्ट या क्लासिक या स्टाइल्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखो फैशन। फैशन क्या होता है? फैशन क्या होता है, कैसे बनता है फैशन? फैशन में क्या होता है कि कोई स्टाइल होता है, कोई जैसे अलग अलग टाइप के स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, एक स्टाइल, ठीक है, एक टाइप के क्लोथ्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो? एक चीज ज्यादा फेमस हो जाए, एक स्टाइल का ज्यादा फेमस होना एक स्पेसिफिक टाइम पे, तब आप उसको क्या बोलते हो? फैशन बोलते हो। ठीक है, स्टाइल मोस्ट फेमस एट एनी स्पेसिफिक टाइम, इसको क्या बोलोगे आप? फैशन बोलोगे। अब देखो स्टाइल, नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल। स्टाइल क्या है, कैसे इस टर्म को डिफाइन किया जा सकता है? स्टाइल क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है। ठीक है, कोई डिजाइन हो गया, कोई शेप होगी, कोई टाइप होगी, जिसकी वजह से उस आइटम्स को दिखाया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है, कैसी वो लुक वाइज कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सब कुछ उसमें देखा जाता है एक स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल्स काफी हो सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक स्टाइल को, ठीक है, क्या बोलते हो आप? एक स्पेसिफिक शेप, साइज, फॉर्म को, डिजाइन को क्या बोलते हो आप? स्टाइल बोलते हैं। इसके अलावा उसके कुछ व्यूज होते हैं, उसके कैसे कैसे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी लुक को इनहांस किया जाए, बढ़ाया जा सके उसके लुक को। ठीक है, तो ये स्टाइल में इन्वॉल्व होते हैं सब कुछ। समझ आ गए बेटा फर्स्ट टू पॉइंट्स? फैशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्टाइल का बहुत ज्यादा फेमस होना, ठीक है, उसको फैशन बोलते हो। स्टाइल्स काफी होते हैं, बट एक स्पेसिफिक डिजाइन, शेप, टाइप को क्या बोलते हो आप? उस आइटम की स्टाइल बोलते हो। ठीक है, इसके अलावा उसकी क्वालिटीज को देखा जाता है, जो जो आइटम होती है वो उसकी क्वालिटीज को ऐसे उसकी लुक को इनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है उन क्वालिटीज की वजह से। क्या क्या उस डिजाइन में, उस चीज में क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ किसमें इन्वॉल्व होते हैं? स्टाइल में इन्वॉल्व होते हैं। आगे फैट्स। फैट्स क्या होता है, जो शॉर्ट लिव फैशन होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते ये फैशन। कोई चीज है, आज उसका फैशन है, ठीक है, आज वो फैशन में है, कल वो फैशन में नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो? फैट्स जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है, कम कैन कम एंड गो इन अ सिंगल सीजन। ठीक है, एक सीजन में आती है, बस नेक्स्ट सीजन में क्या हो जाती है, वो चली जाती है चीज, उसका फैशन जो है चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? अब ऐसा होता है, तो अब देखो एक चीज पे ज्यादा टेंशन दी जाती है, पर जो चीज चली जाती है, जो चीज का फैशन चला जाता है, उस आइटम को टेंशन नहीं दी जाती। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल्स दी गई हैं, कोट पैंट्स, बैगी पैंट्स, अनमैच बटन। ठीक है, अब देखो, अब कुछ भी ये बटन की एग्जाम्पल तो मैंने पहले भी दी थी आपको पिछली क्लास में। क्या था कि जब आप कुछ बनाते हो, कोई सूट बनाते हो या शर्ट बनाते हो, तो उसमें क्या है कि आप मैच्ड बटन लगा सकते हो, कि कौन कौन से मैच होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो अनमैच्ड बटन जो होते हैं, आप किसी शॉप पे लेने गए, जो अनमैच्ड बटन होते हैं उसको आप अटेंशन बिल्कुल ही नहीं देते, उस पर ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्या होता है, इस चीज को क्या बोलते हो? फैड्स बोलते हो। ठीक है, जो सभी जगह पे काम नहीं आते, या शॉर्ट लिव्ड होता है जो फैशन, थोड़े समय के लिए। ठीक है, एक सीजनल बोल सकते हो आप इस फैशन को, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है जो फैशन। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक में ऐसे स्टाइल्स आते हैं जो ऑलवेज यूजफुल होते हैं। ठीक है, कभी भी उसका जो फैशन है वो चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उस टाइप के स्टाइल्स को क्लासिक बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ अब उस चीज का फैशन नहीं है, तो अब हम उसको पहन नहीं सकते। ठीक है, बट वो तब भी पहना जा सकता है, उसको क्या बोलते हो आप? फैशन बोलते हो। ठीक है, क्लासिक बोलते हो उसको। ठीक है, जो कभी भी पहना जा सकता है, ठीक है, चाहे उसका फैशन है चाहे नहीं है। ठीक है, स्टाइल में कम एंड गो इन फैशन, बट स्पेसिफिक बेसिक स्टाइल होते हैं विल ऑलवेज सेम। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, चाहे कोई भी किसी भी टाइप की चीज का फैशन ज्यादा हो,
तब भी उसको आप पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि वो आपको या आपको ही अच्छा नहीं लगेगा या किसी को भी वो चीज पहनने पे अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल्स है, जैकेट्स की एग्जांपल दी हुई है, पोलो शर्ट्स की एग्जांपल दी हुई है, चैनल सूट्स की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इस टाइप की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ये कभी भी जो है ऑब्सलेट नहीं होते, मतलब तो इनका फैशन कभी भी नहीं जाता। ठीक है, कम एंड गो वाला कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा बेटा, वो फैड्स का था। ठीक है, जो कि थोड़े समय लिए आ गए बस चले गए। ठीक है, वो उसमें था, हमेशा ही ऐसे चलता जाता है उसमें। बट क्लासिक में क्या होता है, क्लासिक में जो कभी भी आप पहन सकते हो चीज को, चाहे उस चीज का फैशन है ठीक है चाहे नहीं है, तब भी आप पहनोगे। तो वो ऐसा नहीं कि आप पहन ही नहीं सकते बिल्कुल भी उसको। ठीक है, तो ये चीज होती है उसकी। जैकेट, पोलो शर्ट्स एंड चैनल सूट्स के इसमें एग्जांपल दूंगी। नेक्स्ट है फैशन डेवलपमेंट। अब ये तो हमें पता ही है, देखो फैशन में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, पहले कुछ फैशन था, अब देखो साल बाद चेंज होता जाता है फैशन। 20s के टाइम अलग था, 70s के टाइम अलग था, 90s के टाइम अलग था। ठीक है, उसके बाद आगे 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 फैशन बढ़ता गया। ठीक है, डेवलप होता गया, कोई ना कोई चेंजेस आती गई फैशन में। ठीक है, नेक्स्ट नई नई थीम्स जो है, नई नई चीजें उसमें ऐड होती जाती है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो ह्यूमन थिंकिंग है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, नए नए आइडियाज डेवलप होने लगते हैं माइंड में। ठीक है, तो अब तो डिजाइन तो फैशन तो उसी से ही बनता है। ठीक है, फैशन कैसे बनता है, डिजाइन कोई भी आप अच्छे से बनाओगे, डिजाइन कैसे फॉर्म होता है, एक अच्छा डिजाइन क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हाट व्हाट इज डिजाइन बताओगे बेटा, डिजाइन क्या होता है पता है ना आपको? हाँ जी बोलो, डिजाइन क्या होता है बेटा? तीन बच्चे ऐड हो क्लास में, किसी को भी नहीं पता आपको डिजाइन क्या होता है? अपने आप को अनम्यूट पे लगाओ, डिजाइन बताओ क्या होता है। जितना भी आपको पता है बेटा वैसे ही बता दो। सभी अपने आप को अनम्यूट पे लगाओ। नहीं पता तो बेटा सुन ही लो, डिजाइन क्या होता है। ठीक है, डिजाइन होता है जो आपकी एबिलिटी होती है सोचने की। ठीक है, आपके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं, उसको शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन। ठीक है, उस आइडियाज को सामने लाया जाता है। आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसके लिए सोचते हो ना कुछ पहले। ठीक है, तो जो आपके माइंड में चलता है, नए नए आइडियाज आते हैं, उसको शो किया जाता है, उस चीज को डिजाइन बोलते हो। डिजाइन ऐसा नहीं कि बस जो आपको देखने को अच्छा लगता है, एस्थेटिक लगता है, उसको आप डिजाइन बोल दो। ठीक है, इससे आपकी जो ह्यूमन एबिलिटी है वो भी पता चलती है। ठीक है, उसको डिजाइन बोलते हैं। तो फैशन डेवलप, फैशन भी तो उससे ही बनते हैं, डिजाइन से अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, तो फैशन में काफी ज्यादा चेंजेस आती है। ठीक है, इसकी वजह से अलग अलग वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, उसके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स कस्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अलग टाइप का फैशन है। ठीक है, अलग टाइप के आइडियाज है विद द एबिलिटीज ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, या क्लोथ से यार्न से अलग अलग टाइप के नए नए आइडियाज कैसे बनाना है फैशन, वीविंग के साथ, नीटिंग के साथ। ठीक है, नोटिंग की जाती है। ठीक है, पता ही है आपको कैसे कैसे पिछले जो टॉपिक्स है उसमें पढ़ा था हमने। ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन से फैशन में आइडियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं।
इसमें सब कुछ यही बताया हुआ है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे क्या क्या फैशन था, कैसे कैसे चेंजेस आए, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। फैशन एवोल्यूशन क्या होता है? एक फैशन का साइकिल होता है जो चलता जाता है। आज उस चीज का फैशन है, कल उस चीज का, वापिस से वही चीज का फैशन अगेन आ जाता है, ठीक है। आपका जो फैशन है, अब कोई चीज फेमस है, कोई आइटम फेमस है, कोई गुड्स फेमस है, ठीक है, तो अब वो साइकिल में है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आएगा, एक न्यू साइकिल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नई नई चीजें, नए नए आइडियाज के साथ वही वही चीजें सेम आती है फैशन साइकिल में। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, उसके लिए हमें स्टाइल बताना चाहिए। स्टाइल कैसे फॉर्म होता है, एक स्टाइल कैसे फॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। हम कोई ना कोई डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। डिजाइन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टूल्स किए जाते हैं टू मेक एन आर्ट या डिजाइन, ठीक है, तो उन टूल्स कौन कौन से टूल्स होते हैं ये तो पता ही है। लाइन, शेप, फॉर्म, ठीक है, इस टाइप की चीजें होती है ना, ठीक है। लाइन, वैल्यू, शेप, फॉर्म हमने पढ़ा ही है ये सब कुछ, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स का यूज किया जाता है एक डिजाइन को बनाने के लिए, उस स्पेसिफिक, उस किसी टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइप के डिजाइन को, शेप को, टाइप को, क्या बोलते हो आप, जिसकी वजह से उस कपड़े की या उस आइटम की लुक इन्हांस हो सकती है, उसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। स्टाइल में ये सब कुछ आता है, नए नए स्टाइल्स, नए नए आइडियाज सामने आते हैं, ठीक है, उसको स्टाइल बोलते हो आप। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, जब कोई जो स्टाइल है बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है, तो उसको फैशन बोलते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है, फेमस होना किसी स्टाइल का। उसके बाद कि वो फैशन जो है, वो स्टाइल जो है, एक पीक पॉइंट पे पहुंच रहा है, ठीक है, वो इतना ज्यादा फेमस हो जाए, ठीक है, कि अब यहाँ पे भी है, इस स्टेट में भी उस चीज का फैशन है, तो हमें देख के जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी स्टेट्स हैं, उनमें भी वही फैशन चलने लग जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीक पॉइंट बोलते हैं उस फैशन का, ठीक है। तो ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से जो गुड्स उस टाइम पे सेल होते हैं उनकी जो अमाउंट है, कीमत है, वो भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसमें भी चेंजेस आती हैं पहले से ज्यादा, ठीक है, कोई चीज इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है तो। उसके बाद है नेक्स्ट, तो जितनी ज्यादा कोई चीज ज्यादा बढ़ती है, उसकी ज्यादा फेमस होती है, उतनी ही जल्दी वो नीचे भी आती है, उसके बाद उसका फैशन कम हो जाता है, ठीक। फैशन कम हो गया तो उस चीज में क्या आता है, फैशन उसके बाद जब कोई चीज का फैशन कम हो जाता है, जो फैशन कॉन्शियस पीपल होते हैं वो उसी स्टाइल से, उसी स्टाइल में कुछ नई नई चेंजेस ला के उसको ही नया बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनका ज्यादा लॉस ना हो, कुछ जो गुड्स हैं वही अमाउंट ऑफ गुड्स जो वो यूज हो पाए, ठीक है, तो ऐसे सेल की जाती है, ठीक, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, चेंजेस की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो पहले वाला स्टाइल है बिल्कुल ही फिफ्थ पॉइंट में वो खत्म हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है, जो लास्ट फेज होता है फैशन साइकिल का वहां पे पहुंच जाते हैं ना, तो उसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। इतनी ज्यादा जो फेज होती है, फेमस हो जाता है कोई स्टाइल, तो उसके बाद जब डिक्लाइन होता है, वो कम होता है ना फैशन, तो उसके बाद जब एंड पॉइंट पे, लास्ट फेज पे पहुंच जाता है तो फैशन का साइकिल, उसके बाद उसी चीज को, उन्हीं गुड्स को एक न्यू लुक दी जाती है, ठीक है, नए नए आइडियाज के साथ, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है, जिसको हम नया फैशन बोलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू साइकिल है वो वहां से स्टार्ट होता है। समझ आ गया बेटा इतना? इसके आगे yes, कल पढ़ेंगे। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक आपने जो टॉपिक्स आज पढ़ाए हैं बेटा, इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, फर्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कैसे कैसे टाइम के साथ साथ जो स्टाइल्स है, फैशन है, वो चेंज होते जाते हैं। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस स्टडी किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में दो टाइप के कॉन्सेप्ट थे, फैशन टर्मिनोलॉजी एंड फैशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। एक इसके बाद हमने फैशन एवोल्यूशन भी पढ़ लिया, इसमें क्या चेंजेस आते हैं।
इसमें साइकिल होते हैं, फैशन का एक साइकिल पहले वाला, जो एक उससे नया साइकिल कैसे फॉर्म होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसको अच्छे से पढ़ना आज। ओके, क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। नो मैम।